जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिया है। इसरा के मुताबिक इजलास में 26वीं आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब किया है। इसरा के मुताबिक इजलास में 26वीं आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत इजलास 17 अक्टूबर को तलब किया गया है। इसरा के मुताबिक इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। इम्कान है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में 26वीं आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत इजलास 17 अक्टूबर को तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में 26वीं आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। इम्कान है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में 26वीं आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत इजलास 17 अक्टूबर को तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में 26वीं आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है।